हेलो फ्रेंड्स, विल स्टार्ट अगेन विद द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हमारा 2.19 पेज पर सम नंबर 4 है. आज हम वो सीखेंगे. द क्वेश्चन इज एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू 6 एंड जेड इज टू वाई इज इक्वल टू 9.25. देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स इज टू जेड. तो हमारे पास रेशियो दिया है किसका, एक्स इज टू वाई का. एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन रेशियो इज द 6. Now, if you see the question is incomplete. यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वहां पर x की वैल्यू दिया है. फोर्थ क्वेश्चन आप देखोगे तो वहां पर x is to y is equal to 6. उसके बाद कुछ भी नहीं दिया है. तो प्लीज मेक इट करेक्शन, वहां पर 6:20 लिखो. मेक इट श्योर वहां पर आप 6:20 लिखो. दे वहां पर क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिया है. सो आई हैव डन द करेक्शन इन द क्वेश्चन. x is to y is equal to 6:20. And z is to y is equal to 9:25. What you are supposed to find? Find x is to z. ये आपको find करना है. See here, x upon y is equal to 6/20. अभी यहाँ पर आपको x find करना है, तो I will put x outside. Cross multiply करो 6y/20. अभी यहाँ पर आपको दिया है z is to y. मतलब z अपॉन y इज इक्वल टू 9/25. यहाँ पर भी आपको क्या करना है, z फाइंड करना है. इफ आई राइट z आउटसाइड एंड गेट क्रॉस मल्टीप्लाई 9y/25. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, फाइंड x इज टू z. देयरफॉर x इज टू z मीनिंग x अपॉन z. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 6y/20. अपॉन z की वैल्यू है 9y/25. नाउ सी द रूल. ये आपका जो लाइन है डिवीजन की लाइन है, मतलब आपका क्वेश्चन इस तरह से, दिस लाइन मीनिंग डिवीजन 9y/25. ये हमारे स्कूल के रूल्स है. अभी डिवीजन होगा तो नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता है. सो व्हाट आई विल डू, 6y/20 डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीप्लाई और इसको रेसिप्रोकल करो, मतलब जो 25 डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में आ जाता. सो नाउ यू कैन कैंसिल, y गॉट कैंसिल. देन 5 5s are 25, 5 4s are 20, 2 3 2s are 6, 3 3s are 9. आपका आंसर आएगा 10/12. देयरफॉर what is the ratio of x is to z? x is to z is equal to 10:12. Okay? So this is how you have to find. यहाँ पर question में mistake था, तो आपने correction कर लिया होगा. So friends, हमने जो fourth sum किया है वहाँ पर जो option दिया है वो matching नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर question भी wrong है. So I have taken that 6:20, इसलिए आपका आंसर आएगा 10:12. यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको कंसिडर करना नहीं है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द सम नंबर 5. अ स्टूडेंट हैज स्कोर 40% ऑफ मार्क्स टू गेट थ्रू आउट. टू गेट थ्रू आउट मतलब पास होने के लिए उसको 40 मार्क्स हैज टू गेट. इफ ही गेट्स 40 मार्क्स एंड फेल बाय 40 मार्क्स, मतलब 40 मार्क्स मिल रहे हैं और 40 मार्क्स से वो फेल हो रहा है, देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन. मैक्सिमम मार्क्स आपको एग्जामिनेशन के लिए कितना लगेगा वो आपको पूछा गया है, राइट. सो विल स्टार्ट द सम. क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स. सो मैक्सिमम मार्क्स, लेट मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स, मैक्सिमम एक्स है. स्टूडेंट हैज टू स्कोर 40 मार्क्स टू गेट थ्रू. सो स्टूडेंट हैज टू स्कोर मतलब उसको ये मिलना चाहिए. स्टूडेंट हैज टू स्कोर हाउ मच, 40 मार्क्स, 40%, दैट इज 40/100 ऑफ व्हाट, ऑफ योर मार्क्स. तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 0 0 गया, 0.4 × m मार्क्स वी शुड गेट, राइट. नाउ व्हाट इज द इक्वेशन बनेगा हमारा, इफ ही गेट्स 40 मार्क्स एंड फेल बाय 40 मार्क्स. सो 0.4 × मैक्सिमम मार्क्स उसको चाहिए इज इक्वल टू मार्क्स ही ऑब्टेन, मार्क्स ही ऑब्टेन प्लस मार्क्स ही फेल्ड,
अभी उसने कितने मार्क्स मिले? 40 मार्क्स. कितने मार्क्स से फेल हुआ है? 40. और उसको कितना पास होने के लिए? 0.40 मार्क्स. 0.4 m = 80. नाउ मार्क्स इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स 80/0.4. कैलसी आपके पास है तो आप कैलसी से भी कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज 80/4 × 10 डेसिमल चला जाएगा तो ऊपर 10 आएगा. 420 जा, सो योर मार्क्स इज हाउ मच? इट इज 200. मार्क्स इज 200. इट इज योर ऑप्शन नंबर ए. सो आंसर इज व्हाट? ए, 200. He should have a maximum marks set for the examination is what? 200 marks set for examination. Actually, ये तो आपका objective है. So you are not supposed to write all this, but every objective के जो भी choosing option है, आपको method करके ही answer आएगा, वैसे answer आएगा. Okay, friends, thanks for watching and please subscribe my channel for the next subjects.